उत्साह होना चाहिए। और जब ब्रज में लाला पधारे, अब मेरे थोड़ा सा समझ में कम आता है कि जब कथा विश्राम का समय हो जाता है तब तो कथा में प्रवेश करने का मौका मिलता है। तो कथा ही दो घंटे का समय हमारे आस्था चैनल से मिला है, तो अब मन कर रहा है घुसे ब्रज लीला में चले, पर फिर घड़ी को देखो तो लगता रहन दो, ऐसे ही कोई सत्संग भाव बोल दो। पर चलो, ये भी परंपरा है, इसका भी निर्वहन तो करना ही है। जब उत्साह होता तो अपने आप उत्सव बन जाता है। और हम तो प्रभु की कृपा से जब जब ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं, जब जब गिरिराज जी का पूजन करते हैं, जहाँ दुनिया में जाते हैं सब लोग इतने उत्साहित होते हैं, इतने आनंद में डूबे होते हैं। आज लाल जी का जन्मदिन है, आज गिरिराज जी का उत्सव है, आज ठाकुर जी का ब्याह होने वाला है। उत्साह होने से ही उत्सव बनता है। और ब्रज के उत्सव की तो क्या ही बात करें महाराज, ब्रज का उत्सव तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया में एक दिन जन्माष्टमी मनती है, हमारे ब्रज में 12 मास जन्माष्टमी मनती है। दुनिया में एक दिन होली मनती है, होली मनाई जाती है, और हमारे ब्रज में महीना भर, 2 महीना भर होली चलती है। जग होरी ब्रज होरा, हमारे ब्रज में कहते हैं ब्रज में होरी नहीं होती, होरा होता, होरा। उत्सव ऐसा मना ठाकुर जी के जन्म का कि जब बाबा के हाथ, नंद बाबा के हाथ दान देते देते थक गए ना, तो बाबा ने तिजोरी खजाना खोल करके खुला छोड़ दिया कि भीतर घुस जाओ और जिसको जो जो बढ़िया लगे ले जाओ। अब हमारे बस की बात नहीं कि एक एक को जा करके उत्सव में दान दे, जिसको जो बढ़िया लगे ले। हाँ, बस हमारे पास अब कन्हैया आ गया, कन्हैया मिल गया, तो अब इन चीजों की कीमत नहीं, चीज तो तुम सब ले जाओ जिसको जो ले जानी। कई कई धेनुनाम न्यूते प्रादात विप्रलेभ्य समलंकृते, खूब खूब सुंदर सुंदर पद्मा गंगी गैया ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे दान की गई। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होते, ब्राह्मणों को सबसे अच्छी भेंट क्या दी जा सकती है, बोले ब्राह्मणों को सबसे अच्छी भेंट गाय ही मिलती थी, कर्मकांड में काम आती थी, उनके लिए पंचगव्य में, उनके हवन में घी की आवश्यकता, दूध की। पहले के ब्राह्मणों को दक्षिणा में पैसा नहीं चाहिए होता था, गाय मिल जाए तो यही उनकी सबसे बड़ी भेंट थी। तो बाबा ने 2 लाख तो भागवत में लिखी है कि गाय दान करी, और अगर हम अपने अन्य ग्रंथों की बात करें तो श्री जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि नंद बाबा ने अकेले ने 20 लाख गैया दान कर दी थी लाला के जन्म पर। अन्य ग्रंथों में गोपाल चंपू इत्यादि ग्रंथ, गर्ग संहिता, इन सब में अलग अलग वर्णन आता है। तो उत्सव ब्रज में मनाया जा रहा है और हमारे ठाकुर जी ब्रज में प्रकट भए हैं, बड़ो सुंदर रूप लेके प्रकट भए हैं। ऐसो मनोहर रूप ठाकुर जी ने बनायो है कि महाराज जितनो वर्णन करे सोई कम। अधरम मधुरम नयनम मधुरम, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कहते कहते शब्दों, क्या शब्द बोलूं, इसका चलना मधुर है, इसका बोलना मधुर है, इसके हसितम हंसना मधुर है, ऊपर से नीचे तक जो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुरता से भरा हुआ है, मधुर रस से भरा हुआ है। अब चीनी खाओगे तो शरीर में शुगर लेवल बढ़ेगा, मीठा खाने से मिठास शरीर में बढ़ती है, और कृष्ण नाम लेने से जीवन में अपने आप मिठास बढ़ जाती है, अपने आप आनंद बढ़ जाता है। मिठास बढ़ानी है जीवन की, बढ़ाना तो सभी चाहते हैं, पर मिठास बढ़ानी है तो उसके लिए जो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, श्री कृष्ण के चरणारविंदों का ध्यान करो, उनके उनके संपर्क में रहो, उनके नाम का गान करो, उनके नाम का जाप करो, अपने आप मधुरता बढ़ेगी,
अपने आप माधुर्य बढ़ेगा।